इंग्लिश वर्ड बुक चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 48 251। अब इसमें क्या दिया है, ये पहले भी हो चुका है, समझा दिया, फिर से एक बार वीडियो में आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन आंसर सब दिखा देता हूँ। रिसीव, रिड्यूस और रिसाइकल, रिसीव, रिड्यूस और रिसाइकल। एक्टिविटी 1, बुद्धा डिसिप्लिन, जो बुद्धा का डिसिप्लिन, गेट ए न्यू रो, एक नया रोप मिला। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, अब टेक्स्ट को फॉलोइंग पढ़ो ध्यान से, एंड आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन को जवाब दें। गिवन बिलो देम, उसमें वन ए डिसिप्लिन, अगर एक डिसिप्लिन ऑफ ए बुद्धा के आस्क हिम, उसको पूछता है, इफ़ वी कुड गेट ए न्यू रोप, अगर उसको नया रोप मिलता है, आफ्टर बुद्धा मेड श्योर, बुद्धा जो श्योर कर लेता है दैट द ओल्ड रोप कुड नॉट बी यूज, जो ओल्ड रूप है वो यूज़ नहीं हो सकता एनी लॉन्गर, बहुत समय तक। ही अलाउड द डिसिप्लिन, वो अलाउड करता है डिसिप्लिन को टू गेट ए न्यू वन, न्यू वन। ए फ्यू डे लेटर, कुछ दिन बाद बुद्धा ने द डिसिप्लिन को पूछा, इफ़ ही वॉज हैप्पी विद ए न्यू रोप, क्या वो खुश है न्यू रोप के साथ। डिसिप्लिन, यस मास्टर, हाँ मास्टर, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। बुद्धा ने बोला, टेल मी थॉट, अब आप बताओ, नाउ दैट, अब आप ये बताओ कि आपने न्यू रोप लिया, आपने पुराने रोप के साथ क्या किया। विथ डिसिप्लिन, मास्टर आई एम स्टिल यूजिंग, अभी भी मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग इट एज न्यूज बेडशीट की तरफ, चादर की तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ। बुद्धा, देन वॉट डिड यू डू विथ योर ओल्ड बेडशीट, ओल्ड बेडशीट के साथ आपने क्या किया। डिसिप्लिन, मास्टर आई एम यूजिंग ओल्ड बेडशीट एज माई न्यू विंडो, नया विंडो की तरह, कर्टेल की तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें क्वेश्चन है, देखो ये पैराग्राफ में क्या क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बुद्धा, बुद्धा ने क्यों अलाउ किया इस डिसिप्लिन को टू गेट ए न्यू रोप के लिए। अब उसमें देखो, व्हेन द डिसिप्लिन जब पूछा बुद्धा को, इफ ही कुड गेट, अगर वो मिलता है नया रोप मिलता है, बुद्धा क्या करेगा, श्योर दैट द ओल्ड रोप के साथ, कुड नॉट यूज ओनली लॉन्गर, ज़्यादा समय ना यूज़ कर तो क्या करेगा। अब सेकंड है, व्हाट यूज द डिसिप्लिन, क्या यूज़ करता है, डू यथ ओल्ड रोप के साथ, द डिसिप्लिन यूज हिज ओल्ड रोप एज हिज न्यू बेडशीट, बेडशीट चादर की तरह, बेड के चादर की तरह यूज़ करता है। अब उसके बाद देखो, व्हाट यूज, अब क्या यूज़ करेगा, द डिसिप्लिन डू विथ योर ओल्ड बेडशीट, ओल्ड बेडशीट के साथ क्या यूज़ करेगा। द डिसिप्लिन यूज हिज ओल्ड बेडशीट को एस इज न्यू विंडो कर्टन, नया विंडो का कर्टन बना देगा। अब इसके बाद देखो, बुद्धा वॉट अबाउट योर ओल्ड कर्टन, अब ओल्ड कर्टन के बारे में क्या। डिसिप्लिन, वी आर यूजिंग टू हैंडल हॉट स्टील इन द किचन, किचन में गर्म बर्तन पकड़ने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। हो बुद्धा, हो वॉट ए गुड आइडिया, बहुत अच्छी सोच है, बट कैन यू टेल मी, क्या आप मेरे को बता सकते हो, What did you do with the old clothes they used in kitchen? जो आप किचन में पुराने कपड़े जो आप उससे क्या करोगे। डिसिप्लिन, वी आर यूजिंग इट टू मॉप द फ्लोर, मैं वो पोता करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अब बुद्धा, देन वॉट यू दे डन विद योर ओल्ड रैग, ओल्ड रैग के साथ क्या करोगे। बींग यूज टू मॉप द फ्लोर, जो पोता करने के लिए यूज़ करते थे पुराना कपड़ा, क्या करोगे। डिसिप्लिन, मास्टर दे आर वेरी टर्न, वो बहुत टर्न हो चुका है। द ओल्ड रैक्स वेयर ऑनली स्मॉल, जो ओल्ड रैक्स है वो खाली छोटा है, स्ट्रिप्ड है ऑफ द क्लोथ का। बुद्धा, हाँ, शो दे आर वेस्ट, अब वो वेस्ट है। देन अब डिसिप्लिन, नो मास्टर द ओल्ड रैक्स आर नाउ द न्यू वीक्स, वो नया वीक बन जाएगा इन द लैम्प्स, लैम्प्स में। अब बुद्धा स्माइल एंड वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वो खुश होकर चला गया। इससे क्वेश्चन आंसर है, वेन डी द डिसिप्लिन कब डू विथ द ओल्ड कर्टन, ओल्ड कर्टन के साथ क्या करेगा। द डिसिप्लिन यूज इस ओल्ड कर्टन, डिसिप्लिन यूज़ करेगा ओल्ड कर्टन को टू हैंडल, हैंडल करने के लिए हॉट स्टील इन द किचन, गर्म बर्तन पकड़ने के लिए इन द किचन। अब वॉट रैक्स, वॉट वेयर द ओल्ड रैक्स, जो ओल्ड रैक्स है ऑफ द क्लॉथ का यूज टू डिसिप्लिन, क्या यूज़ करेगा। द रैक्स, जो रैक्स है ऑफ द क्लॉथ कपड़े का, वेयर यूज करेगा एज वीक्स इन द लैम्प, वीक की तरह लैम्प में। वॉट इज द मैसेज, मैसेज क्या है ऑफ द स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा एज ए डिसिप्लिन, के बीच में स्टोरी क्या है। द स्टोरी ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, जो स्टोरी है लॉर्ड बुद्धा का, एंड
इस डिसिप्लिन के बीच में कन्वेज द मैसेज, एक कन्वे करते मैसेज को दैट कि एवन आफ्टर द ओरिजिनल, जो बाद में जब ओरिजिनल आप चीज़ यूज़ कर लेते हो एक सामान को, दे कैन बी रीयूज, वो यूज भी कर सकते हम लोग डिफरेंट अलग तरीके से, सो मेनी टाइम्स, बहुत बार। अब इसमें देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करके उसका आंसर, दोनों में से एक आंसर आपको, चार में से एक आंसर आपका है, वो आपको होमवर्क में लिखना है। व्हाट डिड वंस ए डिसिप्लिन ऑफ बुद्धा आस्क हिम, जो डिसिप्लिन है बुद्धा का वो क्या पूछता है, इन चारों में से एक आंसर है। व्हाट डिड द बुद्धा डू व्हेन द डिसिप्लिन आस्क हिम टू गेट ए रोब, का क्या हुआ बुद्धे को जब डिसिप्लिन ने पूछा उसको टू गेट ए रोब, लोब लाने के लिए, इस चारों में एक आंसर है। द डिसिप्लिन यूज द ओल्ड रोब एज, डिसिप्लिन ओल्ड रोब को किस चीज़ में यूज करता है वो आपको लिखना है। उसके बाद फोर्थ में देखो, द डिसिप्लिन यूज द ओल्ड बैट्समैन, डिसिप्लिन ओल्ड बैट्समैन को किस चीज़ में यूज करता है वो आपको लिखना है। वॉट वॉज द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या यूजिंग करता है ओल्ड कटेन फॉर, ओल्ड कटेन को किस चीज़ में यूज करता है। वॉट वॉज द यूज ऑफ द ओल्ड क्लॉथ, क्या यूज़ करता है ओल्ड क्लॉथ को, दैट द डिसिप्लिन यूज इन द किचन, किचन में करते यूज करता है। सेवन, वॉट डिड रिप्लाई, रिप्लाई क्या आता है ऑफ द डिसिप्लिन को, एंड बुद्धा फील सेटिस्फाइड, बुद्धा सेटिस्फाइड खुश होकर जाता है। अब इसे मैच द फॉलोइंग है, वो आपको कॉम्पेयर करना है होमवर्क में, या हो चुका है फिर से आपको होमवर्क में एक बार और करना है। ओल्ड लोग, ओल्ड बेड स्पीड, ओल्ड कर्टेन, ओल्ड क्लॉथ, ओल्ड ड्रेस से क्या करते हैं, पहला कर रहा होगा न्यू विंडो कर्टेन बनाया, या फॉर मोपिंग द फ्लोर किया, वीक द लैम्प किया, न्यू बेडशीट लिया फॉर हैंडलिंग हॉट स्टील करने के लिए, या फॉर टाइंग स्मॉल थिंग टुगेदर, एक साथ करने के लिए। आपको आंसर, पहले का आंसर है डी, सेकेंड का आंसर है ए, थर्ड का आंसर है ई, एंड फोर्थ का आंसर है सी। ठीक है, अब उसके बाद देख लो, इसमें भी पहले का आंसर है ए, सेकेंड का आंसर है बी, थर्ड का आंसर है सी, और फोर्थ का आंसर है सी। मतलब इसका मतलब जो डिसिप्लिन है, यूज द ओल्ड स्पिरिट भी एस, एस क्या करता है ए, इन इस न्यू विंडो कर्टेन में बदलता है। व्हाट वाज द डिसिप्लिन यूजिंग द ओल्ड कर्टेन फॉर, डिसिप्लिन ओल्ड कर्टेन को किस में बदलता है, इसका आंसर है बी, बी का क्या है, फॉर हैंडलिंग ऑन हॉट स्टील इन द किचन, गर्म बर्तन पकड़ने के लिए कपड़ा यूज़ किया जाता है। अब थर्ड देख लो, सिक्स, व्हाट वाज द यूज ऑफ द ओल्ड क्लॉथ द डिसिप्लिन यूज इन द किचन, किचन में पुराने पोता करने का स्टील जो पकड़ते गर्म उसको क्या करते, गर्म कपड़ा पकड़ने के लिए जो करते, फॉर मॉपिंग द फ्लोर, पोता करने का फ्लोर में। अब सेवन देख लो, व्हाट डिड द रिप्लाई, उसने रिप्लाई क्या किया ऑफ द डिसिप्लिन को, डिड बुद्धा फील अनसेटिस्फाइड, अगर अनसेटिस्फाइड हो गया तो क्या किया, इसका आंसर है सी, सी का मतलब दैट ही यूज द क्लॉथ रैक्स, जो क्लॉथ रैक्स का काम करेगा एज न्यू वीक्स बनाएगा इन द लैब में। अब इसमें मैसेप अलिंग देखे, फर्स्ट है ओल्ड रोप, ओल्ड रोप किस में आएगा, ओल्ड रोप आएगा डी में, डी क्या है न्यू बेड स्पीड बनाएगा। अब ओल्ड बेड स्पीड, ओल्ड बेड स्पीड से क्या बनाएगा, इसका है ए का क्या होगा न्यू विंडो कर्टेन, और थर्ड का है ओल्ड कर्टेन, ओल्ड कर्टेन से क्या होगा ई, ई मतलब ये रहा फॉर हैंडिंग हॉट स्टोर, गर्म बर्तन पकड़ने के लिए। उसके बाद देखो फोर, फोर में क्या है ओल्ड क्लॉथ, ओल्ड क्लॉथ को क्या बनाया बी, बी में फॉर मॉपिंग द फ्लोर, मॉपिंग पोता करने के लिए फ्लोर में। उसके बाद देखो फिफ, ओल्ड रैक्स, ओल्ड रैक्स को क्या बनाया सी, वीक्स इन द लैम्प, लैम्प को वीक्स करने के लिए। अब देखो एक्टिविटी फाइव, फोर में कुछ स्टोरी लिखा है, यू हैव रीड सम स्टोरी, आपने कुछ स्टोरी पढ़ा है अबाउट द रीसीडिंग डी यूजिंग, री यूज करते हम मेनी थिंग्स को न्यू नए में, बट यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ मेनी वेज टू यूज, अब आप भी सोचते हैं बहुत तरीके, आप भी सोचते हैं, दिस आइडियाज ऑफ्टन यूज, ये आइडिया जो है ऑफ्टन यूज किया जाता है ब्लॉग्स में और इंटरनेट में, पीपल थिंक, पीपल लोग सोचते हैं ऑलवेज टू यूज द थिंग, सोचते किस किस चीज में, कैन द पोस्ट, वो पोस्ट कर सकते हैं, मेनी यूजेस आपको दिखाई देगा उसमें, एज ए ऐसे गिव अदर पीपल गुड आइडिया, आप दूसरे को भी वो आइडिया डाइवर्ट कर सकते हो इंटरनेट थ्रू, फॉर यूजिंग ए कॉमन थिंग, एक कॉमन थिंग यूज़ करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तैयार पर बता दूँ, ये लिस्ट ऑफ 13 वेज, 13 यूज दिया गया है किस चीज़ का, ऑफ ए कॉमन पेपर क्लिप, के 13 बार पेपर क्लिप आप यूज़ करते थे किस चीज़ों में हो गया है, पहला पोक टीनी होल्स में, क्लीन फिंगर नेल्स, फिंगर नेल्स साफ करने में, हैंग स्मॉल ऑर्नामेंट,
छोटे छोटे ऑर्नामेंट टंगाने में, अनक्लॉज न्यू क्लॉथ, अनक्लॉज करना क्या न्यू क्लॉथ को, यूज़ एन इमरजेंसी पिन, आप इमरजेंसी पिन यूज़ कर सकते हो होल्ड देम। उसके बाद सिक्स देखो, सब्सिट्यूट फॉर ए ट्विस्ट लाटाई, सब्सिट्यूट कर सकते ट्विस्ट आई का टू क्लोजर ए प्लास्टिक बैग। अब सेवन देख लो, क्लीन द टाइटल रोलर, अब साफ कर लो टाइटल रोलर को इन द इन योर कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर माउस के साथ। अब ये वही देखो, यूज ए सब्सिक्यूट टूथपिक, सब्सिक्यूट टूथपिक की तरह काम करो। उसके बाद यूज़ द एक्सपेंसिव ईयर रिंग, एक एक्सपेंसिव ईयर रिंग आपके कर सकते हो। पुश ए रेस बटन ऑन ए मिनी डिवाइस, आप रेस बटन कर सकते हो दूसरे डिवाइसों पे। मेड ए नेकलेस, नेकलेस बना सकते हो और ब्रेकलेट्स बना सकते हो विथ मिनी बुक टुगेदर वो करके एक साथ करके। यूज़ मिनी चेन, आपको बहुत चेन भी यूज़ करते हो चेन की तरह। होल्ड पेपर टुगेदर, पेपर की तरह। अब इसमें क्वेश्चन आंसर है, थिंक ऑफ वन मोर यूज़, आप एक और सोच सकते हैं फॉर ए पेपर क्लिप, मेक श्योर यू विल यूज इट नॉट एडिट टू द रीड इन द ऑलरेडी इन द स्टोरी। अब स्टोरी में जो है उससे नहीं, अलग से कुछ करना है। एस हेयरपिन इन केस, आप हेयरपिन कर सकते हो उसको। टू पेंट नेल्स, नेल्स पेंट करने के लिए। टू क्लीन द होल्स, होल क्लीन करने के लिए गैस बर्नर का। फोर टू पिन अ बेजिस ऑफ साड़ी, साड़ी का बेजिस करने के लिए शर्ट और कोट में। अब विथ वन आउट ऑफ दिस, एक सब इस सब में इज द मोस्ट अनयूजुअल यूज ऑफ पिन, जो अनयूजुअल वो क्या है। वन वॉट आई थॉट, अब मैंने जो सोचा है वॉज नॉट थॉट, वो सही नहीं है बाई एनीबडी एल्स किसी से भी। अब हियर आर द सम सेइंग, या कुछ ऐसे चीज़ बोल सकते हैं। गिव द मीनिंग एंड एक्सप्लेन देम, और उसका मतलब बताओ, ऐसे एक्सप्लेन करो और एलोबरेटली करो। अब हाउ मैनी ट्रस्ट, कितने ट्रस्ट होते इज अनदर मैन का, मैन स्मोकर में, मैन स्मोकर में कितने होते। फर्स्ट द सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है अबाउट द वेस्ट डिस्ट्रक्शन, जो वेस्ट डिस्ट्रक्शन के बारे में है। वन मैन, एक इंसान ट्रेस करता है फॉर, ट्रेस का मतलब फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए। द थिंग हैज़ बीन यूज, जो चीज़ यूज़ कर चुके हैं फॉर फॉर वन टाइम, एक बार। देयर सो मैनी पीपल, बहुत लोग है आर देयर वहाँ पे है, हु आर यूजिंग, जो यूज़ करते सेम थिंग, उसी चीज़ को रिपीटली बार बार। अब सेकेंड देख लो, वॉट वेस्ट नॉट वेस्ट वॉन्ट, अब वेस्ट नहीं वॉन्ट नॉट, मैं चाहता नहीं हूँ। इन दिस लाइन, ये जो लाइन है, वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं दैट ये सिंस आवर वॉन्ट, जो हमारी इच्छा है आर मोस्ट, वो बहुत ज़रूरी है। एंड द वेस्टेज, जो वेस्टेज है इस मोर सो, ये ज़्यादा होता है। सो इफ़ वी कैन डिक्रीज, अगर हम डिक्रीज कर सकते आवर वॉन्ट, हमारी इच्छा है, ऑटोमेटिकली वेस्ट विल बी ऑल्सो डिक्रीज, ऑटोमेटिकली आप देखोगे वेस्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आज हमने पढ़ा पेज नंबर 48, 49, 50, 51, ठीक है, ये सब हो चुका है। प्लीज़ जिसका भी एक भी सवाल बाकी रह गया हो वो कंप्लीट कर देना। उसके बाद ये होमवर्क में आप लिखोगे एक बार फिर से और ये आप लर्न करोगे, यही आपका होमवर्क है आज का। ठीक है, अगला चैप्टर, अगला पेज कल।